प्राचीन काल से प्रकृति और संस्कृति के बीच एक तालमेल रहा है। संस्कृति वो है जो इंसान के वश में है और प्रकृति वो है जो उसके वश से पूरी तरह बाहर है। इन दोनों लोकों के बीच हमेशा पनपता एक विवाद है। यह है पशुओं का इंसानों का शिकार करना और इंसानों का पशुओं का शिकार करना। हमारे लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि पशु इंसानों की मृत्यु के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, लेकिन मानव समाज पशुओं के शिकार को लेकर कई तरह की भावनाओं से होकर गुजरता है। तो आइए बात करते हैं शिकार के बारे में और इसे देखते हैं पौराणिक नजरिए से। पुराणों में एक बहुत प्रसिद्ध और जाना माना शिकार से जुड़ा उदाहरण है राम का सुनहरे हिरण के पीछे जाना। श्री राम ने हिरण का पीछा किया था क्योंकि वो अपनी पत्नी सीता को खुशी देना चाहते थे। सीता उस मनोहर हिरण को देखकर उस पर पूरी तरह मोहित हो गई थी। वास्तव में वो एक छल था जो रावण ने राम को अपने जाल में फंसाने और उन्हें अपनी कुटिया से दूर ले जाने के लिए रचा था। राम ने आखिरकार उस राक्षस का शिकार तो कर लिया जो हिरण का रूप लेकर उन्हें बहकाने आया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी सीता को भी खो दिया था। महाभारत में एक बार जब अर्जुन शिव के दर्शन करने के लिए उनका ध्यान कर रहे थे तो उनका ध्यान एक जंगली वराह ने भंग कर दिया था। जब अर्जुन ने उसका पीछा कर वराह का शिकार किया तो उनका सामना हुआ एक और शिकारी से जिसने दावा किया कि वो उसका शिकार था। दोनों योद्धाओं ने काफी देर तक इस बात को लेकर आपस में युद्ध किया, लेकिन बाद में यह जाहिर हुआ कि वराह तो खुद शिव द्वारा लिया एक रूप था। अर्जुन जिसके लिए युद्ध कर रहे थे वो दरअसल उसी के दर्शन भी चाहते थे। रामायण में कुछ पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि राजा दशरथ एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। वो एक बार शिकार पे निकले और गलती से एक व्यक्ति का ही शिकार कर बैठे जिसका नाम था श्रवण कुमार। जब वो उस नवयुवक के माता पिता तक पहुंचे और ये खबर सुनाई तो श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि दशरथ भी जल्द ही ऐसे ही वियोग से गुजरेंगे और उन्हें भी अपने प्रिय पुत्र से अलग होना पड़ेगा और आखिर में वही दर्द उनकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। ये भविष्यवाणी तब सच हुई जब दशरथ को अपने पुत्र राम को वन भेजना पड़ा और उसी वियोग को सहते हुए उन्होंने दम ही तोड़ दिया। इसी तरह का एक किस्सा जो महाभारत में हुआ, जिसे सब लोग अच्छे से जानते हैं, वो है हस्तिनापुर का। जब राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक शिकार पर निकले तो उन्होंने गलती से एक साधु दंपत्ति के प्राण ले लिए जो उस समय एक दूसरे में विलीन थे। साधु दंपत्ति ने दम तोड़कर इस लोक से जाने से पहले पांडु को श्राप दिया। साधु ने कहा कि उन्हीं की तरह पांडु भी अपनी मृत्यु को प्राप्त होंगे जब वो प्रेम के आवेश में होंगे। ये वही श्राप था जिससे आखिरकार पांडु की मृत्यु हुई और उनकी पत्नियों ने देवताओं का आह्वान कर 5 दिव्य पुत्रों को प्राप्त किया। कृष्ण की मृत्यु की कहानी भी शिकार से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के खत्म होने के काफी अरसे बाद कृष्ण एक वन में अकेले थे और एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण छोड़ दिया। वो बाण कृष्ण की एड़ी पर जा लगा और उसी से उनकी आखिरी सांस छूटी। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी भी इस कड़ी में काफी प्रसिद्ध है। ये तब की बात है जब वो राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। बालकपन में सिद्धार्थ एक बार अपने भाई देवदत्त के साथ उपवन में घूम रहे थे। देवदत्त ने एक मोहक हंस को उड़ते हुए देखा और उस पर निशाना साध दिया। हंस जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। जब दयालु सिद्धार्थ ने उसे ऐसी अवस्था में देखा तो उन्होंने पत्तों के रस से उसके घाव भरे और उसे जीवन दान दिया। और फिर दोनों राजकुमार हंस पर हक जताने लगे और लड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। तब उनके पिता सुद्धोधन ने इसका फैसला किया और हंस का जीवन बचाने के लिए उसका अधिकार भी राजकुमार सिद्धार्थ को ही दिया। बोधिसत्व बौद्ध कला में एक लोकप्रिय विषय है। बौद्ध धर्म में यूं तो बोधिसत्व मूल रूप से गौतम बुद्ध का उल्लेख करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जातक कथाओं में
बोधिसत्व बुद्ध के जीवन की कहानियां और उनके त्याग और नैतिकता जैसे गुणों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है एक सुनहरे हिरण की, जिसका नाम था रोहंत। रोहंत असल में बोधिसत्व था। वो अपने भाई चित्तमिघ और बहन सुतन के साथ एक झील किनारे रहता था। एक दिन बनारस की रानी खेमा ने एक सपना देखा कि एक सुनहरा हिरण उन्हें उपदेश दे रहा था। अगली सुबह उन्होंने अपने पति से उसी हिरण को सामने लाने की जिद पकड़ ली। राजा ने हिरण को ढूंढने के लिए हर ओर शिकारी भेज दिए। उनमें से एक शिकारी रोहंत का पता जानता था, इसलिए उसने एक नदी किनारे अपना जाल फैला दिया, जहां रोहंत अक्सर अपने साथियों के साथ पानी पीने आता था। रोहंत जैसे ही वहां पहुंचा, वो शिकारी के बुने जाल में फंस गया। लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सभी साथियों को सतर्क कर दिया, इसलिए बाकी के सभी हिरण वहां से भाग खड़े हुए, सिवाय चित्तमिघ और सुतन के। वो किसी भी सूरत में अपने प्रिय भाई को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। उनका प्रेम देखकर शिकारी भी पिघल गया और उसने रोहंत को आजाद कर दिया। रोहंत ने एक तरह से शिकारी को प्रेम और दया का पाठ पढ़ा दिया था। इस घटना से प्रेरित होकर शिकारी ने हिंसा का मार्ग छोड़कर एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। बोधिसत्व ने एक बार एक वानर रूप में भी जन्म लिया था। वानर की मां बहुत बूढ़ी थी और अंधी भी। नंदीय नाम का यह वानर एक आज्ञाकारी बेटा था, जो अपनी मां के साथ एक गांव से सटे वन में बरगद के पेड़ पर रहता था। एक बार एक शिकारी वहां अपने शिकार की तलाश करता हुआ पहुंच गया। उसने वन में पहुंचते ही जैसे ही नंदीय की मां को देखा, उसकी तलाश जैसे पूरी हो गई। लेकिन इसी बीच नंदीय वहां आ पहुंचा और उसने शिकारी से विनती की कि वो उसकी मां को कोई हानि ना पहुंचाए। जब शिकारी पर कोई असर ना हुआ तो नंदीय ने शिकारी से कहा कि वो उसकी जान ले ले, पर उसकी मां को बख्श दे। शिकारी हंसने लगा और अब उसने तय किया कि वो दोनों का शिकार करेगा। नंदीय और उसकी मां का शिकार कर जब क्रूर शिकारी अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो उसने सुना कि उसके घर पर बिजली गिर गई थी और उसका पूरा परिवार मारा जा चुका था। ईश्वर ने शिकारी को उसकी करनी की सजा दे दी थी। पुराणों में शिकार और शिकारियों से जुड़ी कहानियों का अभाव नहीं है। ऐसे कई किस्से कहानियां हैं जिनसे हमें कहीं सबक तो कहीं अंजाम सुनने को मिलेगा। इन कहानियों में ना तो ऐसे लोगों की कमी है जिन्होंने शिकार किया, और ना ऐसे पशुओं की कमी है जो खुद शिकार बने। जहां एक व्यक्ति को संस्कृति चुनने की सहूलियत है, तो वहीं कुदरत के दायरे से बाहर जाने की उसकी कोशिश एक तालमेल को बिगाड़ सकती है, क्योंकि कुदरत और संस्कृति के बीच एक महीन रेखा है जो कभी भी साफ सुथरी और अखंडित नहीं।